हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज मैं क्लास 10th के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ, एमसीक्यू की, जो बोर्ड में आपको हेल्प बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको 40 आउट ऑफ 40 लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स विच टच ईच अदर एक्सटर्नली इज 153 पाई। इफ द सम ऑफ देयर रेडियाई इज 15, देन द रेशियो ऑफ द लार्जर टू स्मॉलर रेडियस इज। दो सर्कल है, एक बड़ा है छोटा है, और एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ये एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। इसका रेडियस R1 मान लो, इसका रेडियस R2 मान लो, R1 ग्रेटर देन R2 है। इसमें दिया है कि R1 प्लस R2 इक्वल टू दिया है 15, R1 प्लस R2 दिया है 15, और दोनों का एरिया, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो A1 प्लस A2 दिया है इसमें। A1 प्लस A2 जो दिया है वो दिया 153 पाई। तो आपको पूछता है इसमें कि लार्जर टू स्मॉलर रेशियो निकालना है, मतलब R1 रेशियो R2 क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। ये रहा क्वेश्चन आपका। पहले, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है कहीं से भी, आप प्रैक्टिस कर लो, किसी भी चैनल से प्रैक्टिस कर रहे हो, पहले क्वेश्चन को पहुंच करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। इस टाइम पेपर का टाइम, खुद पहले सॉल्व करके देखते हैं कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है। क्वेश्चन को खुद खुद पहले सॉल्व करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर जाके इसको आगे देखो कि कैसे ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो आप लोग पहुंच करके इसको पहले खुद सॉल्व करो। अब देखो इसको करेंगे कैसे। देखो तो एरिया इसका क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू 153 पाई। अब देखो आपको एमसीक्यू करना है तो ये पाई से पाई तीनों कट जाएंगे, क्योंकि ये पाई कॉमन आएगा, इस पाई को कॉमन लोगे यहाँ से, तो ये ऐसे ये कॉमन हो गया, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इस पाई से पाई कट गया। या आप एमसीक्यू पता है कि कॉमन होता, आप ऐसे तीनों काट सकते थे। अब यहाँ से मिल गया आपको R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 153, यहां से मिल गया 153। अब आपको R1 R2 निकालना है, क्योंकि R1 प्लस R2 दिया है और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर दिया है। अब आपको यहां से R1 रेशियो R2 निकालना है। ठीक है, तो R1 रेशियो R2 हमको नहीं पता है, इसको हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चनों को हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे तो जल्दी होगा। अदरवाइज आपको यहां से R2 की वैल्यू निकालनी होगी। R2 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो आप 15 माइनस R1। इस 15 माइनस R1 को यहाँ पुट करोगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो R1 की वैल्यू आएगी, फिर आपकी R2 की वैल्यू आएगी। बट आप हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत इजीली कर सकते हो। कैसे, आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। जैसे पता है कि 2 का स्क्वायर 153 आ रहा है। ठीक है, अब इसको हमको ब्रेक करना है। तो यदि हम मान लो कि 10 और 5 ले रहे हैं, तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100 हुआ, और 5 का स्क्वायर 25, नहीं पहुंच रहा है। तो एक नंबर को हमको बढ़ाते जाना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने 10 और 5 लिया है, तो 10 और 5 15 हो रहा है, 10 का स्क्वायर 100, ये 5, तो फिर ये 11 और 4 करके देखो, 11 का स्क्वायर 121, 4 का स्क्वायर 16, ये भी नहीं होगा। फिर आगे करके देखो 12 और 3, 12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर 9, तो 144 प्लस 9 153 हो जाएगा। ये क्या मतलब समझ में आया, कि R की वैल्यू, आप R1 की वैल्यू 12 लेते हो और R2 की वैल्यू आप 3 लेते हो, R2 की वैल्यू 3 लेते हो, तो यहाँ पुट करोगे ये 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 150, ये 144 प्लस 9 आ गया 153। इसका मतलब R1 की वैल्यू इसमें 12 आएगी, R2 की वैल्यू 3 आएगी, तो रेशियो जो आपको निकालना था 12 रेशियो 3, 3 बन जाए 3 4, मतलब ये हो गया 4:1, जो इसमें करेक्ट आंसर 1 होगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, और मैं जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर लेता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट वाइज ही क्वेश्चन लेता हूँ, कि आप लोग से कुछ सीखो क्वेश्चन को, बाकी तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको हर जगह मिल ही जाता है। मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपको समझ में वीडियो यदि आ रहा है तो इसको आप लोग लाइक किया करो। मैथ्स एंड मोर चैनल पर पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब कर लिया करो, और पेपर के जिस दिन आपको बोर्ड का पेपर है उस दिन भी लाइव क्लास होगी सवेरे 8 बजे से। जिस दिन भी बोर्ड का पेपर आपका, यह है मैथ्स का 4 को है शायद, ठीक है, 12th का और 10th का, दोनों बोर्ड के पेपर के सुबह सुबह भी क्लास लूँगा, पूरे चैप्टर का रिवाइज करा दूंगा। 10 बजे आप लोग घर से निकलते हो, 10 बजे जाओगे पेपर देने,
इसके पहले 2 घंटा आप लोग देख के अच्छी तरह से पूरा रिवीजन कर सकते हो कि छोटे 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 हर चैप्टर के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फार्मूले हैं, वो सारा मैं सुबह सुबह रिवाइज कराऊंगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। इफ ए इक्वल टू दिया है 3 2 पावर 3 इंटू 3, बी इक्वल टू दिया है 2 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5, सी इक्वल टू दिया है 3 पावर n इंटू 5। इसमें लिखा है एलसीएम ऑफ ए बी सी इक्वल टू दिया है 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 4 इंटू 5, देन एन कितना होगा, एन की वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया है a1, b दिया है 2, c दिया है 3 और d दिया है 4। देखो एलसीएम के इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम्पलर में भी बहुत सारे दिए हैं हमें और ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं। इसमें देखो a की वैल्यू दिया है, b दिया है, c दिया है, फैक्टर दिए हैं और एलसीएम पूछ रहा है आपका। तो देखो 2 पावर 3 मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा पावर 2 का जहाँ होगा। इसमें देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे आपका 1 है, तो इसलिए 3 वाला आ रहा है ये वाला पार्ट। जो एलसीएम में सबसे हाईएस्ट पावर को लेते हैं और एलसीएम में सबसे लोएस्ट वाले पावर लेते हैं, तो हाईएस्ट यहाँ पे 2 पावर 3 आप 2 आ गया। 3 में देखो क्या है, यहाँ 3 पावर 1 है, यहाँ 3 पावर 3 है और यहाँ 3 पावर n है। तो बट यहाँ पे क्या है, 3 पावर 4 है, हाईएस्ट पावर 4 4, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपकी होगी 3 पावर 4 होगी, तभी तो यहाँ से आपने हाईएस्ट पावर लिया है 3 पावर 4 की। मतलब इसका मतलब हो गया कि 3 पावर n इक्वल टू होगा 3 पावर 4, n की वैल्यू आ जाएगी 4। ये आपका क्या था, इसमें करेक्ट आंसर था। इफ द पॉइंट लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान से क्वेश्चन को सुनो। कह रहा है कि द पॉइंट, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग सुन लो, द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। अब ये 2 पॉइंट मान लो यहाँ दिया है, ए है एक, बी है ये पॉइंट दिया है -2, -5 और बी दिया है आपका 2, 5। देखो ये दोनों लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, यहाँ से आप कोई भी यहाँ से मोर देन हाफ लेके आर्क इधर लगाओगे, इधर लगाओगे, उसी आर्क से ऐसे लगाओगे, तो ये आपका ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, मतलब दोनों को बाइसेक्ट करेगा और ये 90 डिग्री पे भी होगा। तो इसमें ये कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि द पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, इस दोनों को ज्वाइन करने में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, इस पे ये चारों में से कौन सा पॉइंट लाइज करेगा। ऑप्शन में दिया है 0,0 a, बी में दिया है 0,2, सी में दिया आपका 2,0 और डी में दिया आपका -2,0। अब देखो किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करेंगे, ये मेन समझना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ट्रिकी क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ, द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ए और बी, ये -2,5, -5 और 2,5। ऑप्शन दिया है 0,0 ये। इसका मतलब ये देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट्स होते हैं उससे क्या कंडीशन निकलती है। कोई भी यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं भी पॉइंट, जैसे यहाँ परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस से बराबर है। मान लो इस पे पी है, हम मान लें कि एक पी पॉइंट है, पी हमने x,y लिया है, तो ये पी जो x,y होगा, ये ए से और ये बी से दोनों डिस्टेंस आपकी क्या होगी, सेम होगी। दोनों डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। मतलब ए पी जो होगा वो आपका क्या होगा, बी पी के इक्वल होगा, क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस की इक्वल होती है। क्योंकि आप कहीं भी पॉइंट लोगे, यहाँ लोगे या नीचे लोगे, कहीं भी पॉइंट ये होगी, ये कहीं भी पॉइंट होगा, तो ये सारे डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, बराबर। ये होता है कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है, अब देखो क्या है, आप एक्स वाई लेके ए पी निकालो और बी पी निकालो, दोनों से आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो अब इसमें 2 वेरिएबल आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, जब आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पे, तो हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ऑप्शन के थ्रू, जैसे मान लो हमने पहला ऑप्शन 0,0 ले लिया, ये 0,0 हो गया, तो अब इससे हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो देख लो ये दोनों चीज़ें सेम हैं। और कभी भी आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हो
सेम पॉइंट है, चाहे दोनों नेगेटिव है चाहे दोनों पॉजिटिव, तो डिस्टेंस सेम आती है। जैसे यहाँ से निकालोगे अब तो क्या आएगा, ये ए पी और बी पी दिया है, ए पी इक्वल टू बी पी, तो ए पी स्क्वायर क्या हुआ, बी पी स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो रूट खत्म हो गया, तो माइनस टू और माइनस जीरो, तो माइनस टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, माइनस फाइव माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका ए पी इक्वल टू, इधर इधर बी पी स्क्वायर निकालोगे तो आपका आएगा टू माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस फाइव माइनस जीरो का स्क्वायर, एक्स टू माइनस, जो आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है वही मैंने फार्मूला लगाया है, डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को पता होगा, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट आपको दिया है एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, ये आपने पढ़ रखा है, वही फार्मूला लगा। अब देखो ये क्या आएगा, स्क्वायर जो भी होगा ये टू स्क्वायर फोर, ये फोर आएगा और ये आपका ये 25 आएगा, ये आपका 4 आएगा, ये 25 आएगा, दोनों बराबर आ रहा है, इसमें तो पहले आंसर ही मिल गया आपको। ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड से था ही, और अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था कि हम करेंगे कैसे, कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट होता है इन दोनों पॉइंट से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है, सेम डिस्टेंस पर होता है, ये इसमें क्या था कॉन्सेप्ट लगा। टी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी सी ए ए बी एफ रिस्पेक्टली ए बी सी, कोई भी ए बी सी एक ट्रेंगल है, ए बी सी, डी जो है वो बी सी पे है मिड पॉइंट, ई जो है वो सी ए पे है और यहाँ पे एफ है, ये डी ई एफ जो है मिड पॉइंट है ए बी सी का, तो इसमें कह रहा है कि देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ डी ई एफ, डी ई एफ इसका एरिया मतलब ये जो आपका दिया इस ट्रेंगल के एरिया का रेशियो ए बी सी के एरिया के रेशियो से निकालना है। आपको पता है कि जब भी ये इसके मिड पॉइंट को लेते हो तो ये चारों जो ट्रेंगल आएंगे इसके एरिया चारों इक्वल होते हैं, इसका 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 इसका, तो इसका एरिया यदि वन लेते हो तो ये भी वन होगा, ये भी वन होगा, ये भी वन होगा, तो ये एरिया वन हुआ तो पूरा एरिया कितना हुआ, फोर हो गया। तो जो आपसे ऑप्शन इसमें पूछ रहा था कि एरिया ऑफ डी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ ए बी सी, ये आपका आएगा वन रेशियो फोर, छोटा वन होगा तो पूरा आपका फोर, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब ये आपको मिड पॉइंट किसी भी ट्रेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रेंगल बनता है उसका एरिया पूरे बड़े ट्रेंगल के एरिया का वन रेशियो फोर होता है। एक कॉन्सेप्ट और आता है, द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू, कोई भी आपका रोम्बस दिया है ए बी सी डी, तो इसमें ये कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड मतलब क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ऑप्शन में दिया है सम ऑफ द डायगोनल्स मैंने ए सी प्लस बी डी के इक्वल होगा, बी डी डायगनल आपका बी डी है, दूसरा दिया है डिफरेंस ऑफ द डायगनल ए सी माइनस बी डी के इक्वल होगा, तीसरा दिया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगनल्स ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के इक्वल होगा, या दिया है नन ऑफ देम, तो ये जो दोनों साइड ये चारों साइड के स्क्वायर का जो सम होता है इनके डायगनल जो होते हैं ना इनके डायगनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है ये ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, जो ये ऑप्शन दिया था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगनल्स ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के इक्वल होता है। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ट्रेंगल का जो चैप्टर है जो भी आपका एन सी आर टी आर डी शर्मा या एग्जाम्पलर में जो भी प्रूफ दिए हैं ना उस प्रूफ पे डायरेक्ट एमसीक्यू बना के आ सकता है, तो जितने भी प्रूफ दिए हैं उनके मेन थीम जो को लिखो कि किसके इक्वल क्या है वो डायरेक्ट आपके एमसीक्यू में बना कर, जैसे ये भी क्वेश्चन प्रूफ ही है ये कि सम ऑफ द ऑल साइड्स जो दिया आपका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगनल, उसके डायगनल के क्या होते हैं इक्वल होते हैं, इसको करना हो प्रूफ तो देखो आप कर सकते हो, ये ओ है आपका ये 90 डिग्री पे आपके यहाँ पे कट करते हैं
और यहाँ से आप देखोगे क्या आएगा, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो इसको, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस आपका यहाँ से आएगा ओ बी स्क्वायर, ओ ए जो होगा आपका ए सी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा और ओ बी जो हो जाएगा आपका बी डी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ये ए सी स्क्वायर बाई फोर आएगा, बी डी स्क्वायर बाई फोर आएगा, तो फोर यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, फोर यहाँ चला गया, फोर यहाँ लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा फोर ए बी स्क्वायर, फोर ए बी स्क्वायर का मतलब चारों साइड तो बराबर है, तो फोर ए बी को हम ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर चार जगह लिख देंगे, तो आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के इक्वल, ये प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया कि आपको इस तरह ध्यान रहेगा, बाकी आपको ये ध्यान रखना है। तो ट्रायंगल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको जिस दिन पेपर है आपको उस दिन ही 4 तारीख को 8 बजे मैं लाइव क्लास लूँगा, उसमें भी आप लोग आके देख सकते हो, 2 घंटे में पूरा रिवाइज करा दूँगा 10th का। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स। आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरा मैथ्स एंड मोर के नाम से ऐप भी है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पे ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।